आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू लीक के बारे में जो कैन के अपकमिंग कैमरा से रिलेटेड है कैनन यस मार्क थ्री हाँ आपने सही सुना ये कैमरा कैनन के नेक्स्ट जनरेशन मिरोस कैमराज में से एक हो सकता है और इसके लीक्स ने अब तक काफी हाइप क्रिएट कर दी है इसका लॉन्च 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है और स्पेक्स ने तो काफी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है अगर आप एक फोटोग्राफर या हाइब्रिड शूटर हैं या फिर सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है हम बात करेंगे हर एक फीचर के बारे में जो एप तक लीक हो चुके हैं और देखेंगे कैसे ये कैमरा कैनन के पहले मॉडल्स के कंपैरिजन में स्टैंड करता है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सेक्शन वन ओवरव्यू तो सबसे पहले बात करते हैं कैनन यूएसआर सिक्स मार्क थ्री के एक्सपेक्टेड लॉन्च की जैसे हमने इंट्रो में डिस्कस किया ये कैमरा ट्वेंटी के पहले क्वार्टर में मार्केट में आने की उम्मीद है प्री डिसर कैन ईओ एस आर सिक्स मार्क टू का अपग्रेडेड वर्जन होगा जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था उस समय आर सिक्स मार्क टू को एक काफी स्ट्रॉन्ग मिड रेंज मिडल कैमरा माना गया था और वो अभी भी वन थाउजेंड में एमेजॉन पे अवेलेबल है एमआरपी से काफी डिस्काउंट पे लेकिन R6 Mark मार्क के लीक सजेस्ट करते हैं कि कैनन ऐप कुछ और ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में आने वाला है तो अगर आप कैन आर सिक्स मार्क टू यूज कर रहे हैं या कोई नए मरलिस कैमरा के लुकआउट पे हैं तो ये डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग मॉडल होगा सेक्शन टू सेंसर और प्रोसेसर अगर हम इस कैमरा के कॉ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट लीक हुआ है वो है इसका 24 मेगापिक्सल एल सेंसर पहले के कैनन कैमराज में आपको दो जीरो एम या उसके आसपास के सेंसर्स देखने को माइल हैं लेकिन इस बार कैनन ने दो चार एम सेंसर का यूज किया है जो कि इस प्राइस रेंज के कैमराज के लिए एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है ये सेंसर आपको नॉट जस्ट बेटर रेजोल्यूशन देगा बल्कि डिटेल और क्लैरिटी भी काफी एनहांस करेगा जो की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए जरूरी है और सेंसर के साथ हाई आपको मिलेगा डी आई जी आई सी एक्सेलरेटर प्रोसेसर जो कैन के सबसे लेटेस्ट इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है ये प्रोसेसर हाई स्पीड इमेज प्रोसेसिंग केपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है जिससे आपको मिलती है फास्टर शूटिंग और बेटर इमेज क्वालिटी चाहे आप लो लाइट में शूट कर रहे हो या हाई स्पीड एक्शन शॉट्स ले रहे हो इस प्रोसेसर के थ्रू आपको 8.5 प्वाइंट फाइव स्टॉप कलेबोरेटिव इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर भी मिलता है जो आपके शॉट्स को बिल्कुल शेक फ्री और स्टेबल बना देगा खासकर अगर आप हैंड हेल्प शूटिंग या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये फीचर आपको काफी हेल्प करेगा इमेजिन करें कि आप ट्राइपॉर्ड के बिना भी नाइट फोटोग्राफी या वीडियो शूट कर सकते हैं और स्टिल क्रिस्प रिजल्ट मिलेंगे सेक्शन थ्री शूटिंग केपेबिलिटीज अब बात करते हैं कैननी ओ एस आर सिक्स मार्क थ्री के इम्प्रेसिव शूटिंग केपेबिलिटीज की सबसे पहला हाईलाइट जो लीक हुआ है वो है इस कैमरा का अबिलिटी टू शूट थर्टी एफ पी एस रॉ ए फ्लैट इस फीचर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं रॉस शूटिंग आपको अनकम्प्रेस्ड इमेजेस कैप्चर करने का मौका देती है जो पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है 30 फ्रेम्स की स्पीड के साथ आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को इजीली कैप्चर कर सकते हैं बिना किसी मोशन ब्लर के और 14 बिट इलेक्ट्रॉनिक शटर इस प्रोसेस को और भी एनहांस कर देगा इस कैमरा का शटर रीड आउट स्पीड भी काफी रिमार्केबल है जो की वन बाई वन सेकंड तक का होगा ये स्पीड हाई स्पीड एक्शन शॉट्स के लिए काफी सूटेबल है जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स का एक भी डिटेल मिस नहीं होगा कैनन ने यहाँ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड नॉइस रिडक्शन का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है मतलब आपको लो लाइट कंडीशन में भी काफी क्लियर और नॉइस फ्री शॉट्स मिलेंगे इसके साथ ही हाई रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन फीचर भी दिया गया है जिससे आप अपने सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेक्शन फोर वीडियो केपेबिलिटीज और अगर आप वीडियो शूटर्स या सिनेमाटोग्राफर्स हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कैनन एन ई एस आर सिक्स मार्क थ्री का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है वो है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग केपेबिलिटी स्पेशली सिक्स के ओवरसैंपल्ड फोर के अब आप सोच रहे होंगे ओवरसैंपलिंग क्या होता है तो ओवरसैंपलिंग का मतलब होता है कि कैमरा हायर रेजोल्यूशन पे वीडियो कैप्चर करता है लाइक सिक्स के और फिर उससे डाउन स्केल करके फोर के आउटपुट देता है इसका फायदा यह होता है कि आपको शापअ मोटिटेल्ड फुटेज मिलती है जो कि नॉर्मल फोर के वीडियो के कंपैरिजन में काफी सुपीरियर होती है इसके अलावा लीक सजेस्ट करते हैं कि ये कैमरा फोर के वन और सिक्स के सिनेमा रॉ लाइट रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करेगा अगर आप प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं या सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हैं तो रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काफी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देगा आप कलर्स एक्सपोजर और डिटेल्स को बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बिना इमेज क्वालिटी को लूज किए आपको यहां रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स काफी फ्लेक्सिबल मिलते हैं जैसे एक्सएफए वीसीएस और एक्सएफएचई वी सी एस जो एफिशिएंट कंप्रेशन के साथ हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी का फीचर जैसे डुअल बैंड वाईफाई आपको रियल टाइम शेयरिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में भी मदद करेगा सेक्शन फाइव कॉम्पिटिशन और फाइनल थॉट्स अगर हम कैन ई एस आर सिक्स मार्क थ्री के कॉम्पिटिशन को देखें तो इस प्राइस रेंज में सोनी एल्फा सीरीज और Nikon जेड सीरीज के कुछ बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। सोनी के कैमराज को जाने जाना है उनके एक्सेप्शनल ऑटो फोकस और वीडियो परफॉर्मेंस के लिए और Nikon ने भी अपनी मिररलेस जेड सीरीज के थ्रू काफी लॉयल फैन बेस बना रखा है लेकिन अगर ये लीक स्पेसिफिकेशन सच होते हैं तो कैन यूएसआर सिक्स मार्क थ्री अपने एडवांस वीडियो केपेबिलिटीज शूटिंग और इम्प्रेसिव स्टेबलाइजेशन के साथ मार्केट में काफी स्टर क्रिएट कर सकता है स्पेशली हाइब्रिड शूटर्स जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों करते हैं उनके लिए ये कैमरा एक गेम चेंजर हो सकता है इसके प्राइस पॉइंट पर भी स्पेकुलेशन है लेकिन अगर ये अपने प्रीडिसेसर आर सिक्स मार्क टू के आसपास होता है तो ये एक काफी अट्रैक्टिव डील बन सकता है उन लोगों के लिए जो एक प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा ढूंढ रहे हैं बिना फ्लैगशिप मॉडल्स के प्राइस टैग के तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल्ड डिस्कशन कैनन ई एस आर सिक्स मार्क थ्री के लीक स्पेक्स और फीचर्स के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप और ऐसे कैमरा लीक्स रिव्यूज और फोटोग्राफी टिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप आज नए कैनन कैमरा के लिए एक्साइटेड हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा